आपको सारा का सारा ऐसे ही मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज मैंने बायोलॉजी से स्टार्ट किया, यानी कि आपकी जीव विज्ञान। तो हम पढ़ेंगे आज सेल, सेल जो कि सबसे छोटी चीज है, सबसे स्टार्टिंग है। तो सबसे पहले हम सेल ही पढ़ेंगे, उसके बाद आगे आगे सारा लाइन बाय लाइन आपको जितना भी है टॉपिक वाइज मैं हर एक चीज कवर करूंगी। ऐसा नहीं कि बीच में कुछ और फिर इधर कुछ और, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे, आपको सारा का सारा चैप्टर वाइज मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल, और सेल का मतलब होता है कोशिका। सेल का मतलब होता है कोशिका। तो बात करते हैं सेल होता क्या है, एंड हम लोग अब किस टाइप से पढ़ेंगे और कैसा क्या रहेगा, ये सारी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें सेल की, तो ये सबसे छोटी इकाई है। जैसे आप परमाणु देखते हैं, तो ये किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई हम बोले तो वो क्या हो जाएगी, सेल। किसी भी जीव की सबसे छोटी, और इसको बोलते हैं कार्यात्मक एंड संरचनात्मक, यानी कि कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई। तो गाइस अगर बात करें कार्यात्मक और संरचनात्मक का मतलब क्या है, तो सबसे पहली चीज तो कार्यात्मक यानी कि जितना भी वर्क हम करते हैं वो मोस्टली जो है आपका सेल्स ही सारा का सारा मैनेज करती हैं। इसके अलावा संरचनात्मक यानी कि बॉडी को जितना भी स्ट्रक्चर मिला, यानी इसको स्ट्रक्चरल एंड इसके साथ फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी बोला जाता है। यानी मैंने बताया अभी कार्यात्मक एंड संरचनात्मक इकाई। तो जितना भी सारा काम है शरीर के ढांचे से लेकर के, देखिए बाकी ढांचा तो बोन्स आपकी बनाती है, लेकिन बाकी जो आपकी जितना भी ढांचा है वो सारी आपकी सेल्स बनाती हैं, जो शरीर की हम बात करें तो यानी कार्यात्मक और संरचनात्मक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि कार्य के साथ साथ संरचना देना भी सेल का ही काम है। अब बात कर लेते हैं सेल किसने खोजी। सेल जो सेल का विज्ञान होता है, कोशिका विज्ञान होता है, उसे क्या बोलते हैं, सारी की सारी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले ये चीज देखिए, क्योंकि मैंने बताया ये सबसे छोटी इकाई है, यानी इसे स्मॉलेस्ट यूनिट बोलते हैं, बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्मॉलेस्ट यूनिट है आपकी कोशिका या फिर सेल। अब देखिए सबसे पहले बॉडी में सेल होती है, एक सेल से बॉडी बनना स्टार्ट होती है। तो एक सेल से स्टार्ट होते होते फिर कई सेल मिलती जाती हैं, बनती जाती हैं, आपस में जुड़ती जाती हैं, और फिर आपके पूरे शरीर का निर्माण होता है, चाहे वो कोई जानवर हो चाहे वो कोई इंसान हो। और अगर हम बात करें एक कोशिका वाले जीव, तो एक कोशिका वाले जीव भी होते हैं, जैसे कुछ नीले हरे शैवाल जो है वो एक कोशिकीय जीव, अमीबा पैरामीशियम आपने देखे हैं ये भी एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो इनमें क्या होता है, सिर्फ एक कोशिका होती है, लेकिन और आप इनको बिना माइक्रोस्कोप के देख भी नहीं सकते हो, इसी वजह से इनमें एक कोशिका होती है। और बाकी जितने भी स्ट्रक्चर है, जैसे आप कोई भी जानवर देखते हो या फिर जितने भी ह्यूमन बींग्स है, तो ये सारे मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यानी कि बहुकोशिकीय होते हैं। और ये जितने भी हैं जैसे नील हरित शैवाल, अमीबा पैरामीशियम, ये सारी चीजें आपकी यूनिसेल्यूलर होती है, यानी कि एक कोशिकीय। तो अब हम बात कर लेते हैं, देखिए सबसे पहले सेल आती है, सेल बनती है सबसे पहले जब इंसान गर्भ में होता है, तो सबसे पहले एक सेल का निर्माण होता है और उसके बाद सेल बनती जाती है और शरीर बनता जाता है। तो सबसे पहले बनती है सेल, और उसके बाद बनता है ऊतक, जिसको हम बोलते हैं टिश्यू। बॉडी में आपने टिश्यू सुने होंगे, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं ऊतक। कई सेल का जो ग्रुप मिलके बनाता है टिश्यूज को, तो जब कई सारी सेल्स आपस में मिलती हैं तो बनता है एक ऊतक, यानी कि टिश्यू। हम बोल सकते हैं कोशिकाओं के जाल को क्या बोलते हैं, ऊतक। तो जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो बनता है ऊतक यानी कि टिश्यू। और ग्रुप ऑफ टिश्यूज कॉल्ड ऑर्गन, जब बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं तो बनता है ऑर्गन यानी कि अंग। कोई भी आपके बॉडी के शरीर का जो पार्ट है वो बहुत सारे टिश्यूज से मिलकर बना है, छोटे छोटे टिश्यूज से। टिश्यूज भी अपने आप में बहुत छोटे छोटे से होते हैं। तो सेल से बनता है टिश्यू, बहुत सारी सेल से, और फिर टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन यानी कि अंग। हिंदी में भी मैं बताती जा रही हूं, सेल टिश्यू फिर ऑर्गन, और उसके बाद बहुत सारे ऑर्गन जब मिलते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, ये जो आप पढ़ेंगे भी ऑर्गन सिस्टम, तो कई सारे अंग मिलकर के
पूरे की पूरी पूरी की पूरी जो हमारी बॉडी है उसके सारे ऑर्गन आपस में जब मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम का एक निर्माण होता है, और उसके बाद जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो होता है ह्यूमन बॉडी में। तो ये आपका है ह्यूमन बीइंग। तो ये मैंने बस ऐसे ही लिखा कि सबसे पहले शेल का निर्माण होता है, उसके बाद टिश्यूज, उसके बाद ऑर्गन, और कई सारे ऑर्गन मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गन सिस्टम जब मिलते हैं तो बनती है आपकी ह्यूमन बॉडी। तो ये तो हो गई हमारी नॉर्मल बात। अब मैंने बोला था कि हम बात कर लेते हैं कि सेल खोजी किसने और फिर सेल विज्ञान को हम क्या बोलते हैं। तो देखिए, सेल सबसे पहले जो डेड सेल खोजी गई थी एक बोतल की कार्क में, जो कॉर्क होती है बोतल की, उसमें उनको एक मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखी थी रॉबर्ट हुक को। तो उन्होंने जब इसका पता लगाया तो उन्होंने इसको सेल नेम दिया, एक रूम के टाइप का, उन्होंने हिंदी में बोला जाता है कोशा नाम दिया। तो यही इसी से आगे चल के कोशिका जो है, कोशिका का नाम आया। और ये जो है कोशिका, वैसे तो इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को ही बोला जाता है क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले सेल्स खोजी। लेकिन अगर बात की जाए लिविंग सेल्स की, लिविंग सेल किसने खोजी, तो लिविंग सेल खोजी थी लिवेनहॉक ने। तो डेड सेल तो इन्होंने खोजी थी, इसके अलावा सबसे पहले सेल के बारे में इन्होंने बताया, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी बोला जाता है, यानी कोशिका विज्ञान का जनक। किसे बोला जाता है, क्वेश्चन आता है तो बोला जाता है रॉबर्ट हुक को। तो मैं यहां लिख दे रही हूं, रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब देखिए, मैंने बताया कि सबसे पहले इन्होंने ही सेल खोजी थी, डेड सेल थी वो, लेकिन खोजी इन्होंने ही थी। उसके बाद सेल जो थी लिविंग सेल वो खोजी लिवेनहॉक ने, लेकिन फादर ऑफ साइटोलॉजी। हाँ, अब मैं बता दूं कोशिका विज्ञान को क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी। मैं अभी बता रही ना इनको कि फादर ऑफ साइटोलॉजी बोला जाता है। तो ये भी पूछा जाता है, ये इंग्लिश से लेके आपको साइंस में भी क्वेश्चन आ जाता है कि कोशिका विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो कोशिका विज्ञान को बोला जाता है साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी आपका कोशिका विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम सारी कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो वो होती है आपकी साइटोलॉजी। अब देखिए, मैंने बताया जो लिविंग कोशिका थी, यानी कि जो जीवित कोशिका थी, वो खोजी थी लिवेनहॉक ने। मैं लिख नहीं रही हूं, ये सारी चीजें हम लोग ऐसे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि लिखेंगे अगर तो बहुत कुछ है लिखने को। अगर आप अच्छे से बात सुन लेंगे तो आप अपना खुद नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, आप खुद नोट्स बना सकते हैं मेरी बातों को सुन के। तो जीवित कोशिका खोजी लिवेनहॉक ने। तो चलिए, यहां तक की बात हो गई कि कोशिका कैसे आई, क्या हुआ। अब बात कर लेते हैं कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो इन दोनों में से नहीं, कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडन और श्वान ने। तो ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं, 1838 और 1829 ईस्वी के बीच में ये जो है कोशिका सिद्धांत आया था। कोशिका सिद्धांत ने कहा क्या था, कोशिका सिद्धांत ने कहा था कि प्रत्येक जीवधारी का निर्माण सबसे पहले एक कोशिका से होता है। तो ये चीज मैंने अभी आपको बताई कि जब गर्भ में बच्चा होता है तो सबसे पहले जो उसकी फर्स्ट स्टेज होती है वो एक सेल होती है, एकदम एक छोटी सी सेल। फिर उसके बाद वो सेल डेवलप होती जाती है, और जब मैंने बताया जब सेल बहुत सारी सेल्स हो जाती हैं तो वो टिश्यूज बनाती हैं। मैंने जो पूरा प्रोसेस बताया वो इसीलिए बताया आपको। तो सबसे पहले कोई भी जीवधारी हो उसका जो निर्माण है वो होता है एक सेल से। तो कोशिका सिद्धांत का पहली चीज तो ये थी कि किसी भी जीवधारी का निर्माण एक कोशिका से होता है। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि फिर धीरे धीरे जो जीवधारी है वो बहुकोशिकी जीव में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा बोला गया था कि केंद्रिका जो होती है उसका मुख्य कार्य होता है, यानी वो अभिकर्ता के रूप में, यानी कि क्रिएटर के रूप में कार्य करती है कोशिका निर्माण में। तो केंद्रिका का कार्य भी होता है। इसके अलावा जो बहुत सारी देखिए मेन चीजें नहीं थी, ये पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो चीजें मैंने बता दी कि क्या क्या था, मेन क्वेश्चन आता है कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो आपका आंसर होता है स्लाइडन एंड श्वान ने। और चलिए आगे बात कर लेते हैं
कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका मोस्टली होती है दो प्रकार की। पहली होती है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। ई उसे स्टार्ट होता है, बाकी पूरा कैरियोटिक की स्पेलिंग यही हो जाती है। मैं लिख नहीं रही बार बार उसी चीज को। तो देखिए प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक क्या है और डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए ये पूछा जाता है कि कोशिका कितने प्रकार की होती है, क्वेश्चन तो ये आता है। तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, और यहाँ पे ये बोल्ड है तो मैं स्पेशली आपको बता नहीं सकती हूँ कि कैसा स्ट्रक्चर होता है, बट आप सर्च कर सकते हो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हालांकि मैं आपको उसको समझा दे रही हूँ अच्छे से कि डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए मेन डिफरेंस, देखिए प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब ही होता है एक तरीके से पुराना, और ये जो यू वर्ड आया है यूकैरियोटिक, ईयू से स्टार्ट होता है, इसका मतलब होता है नया। तो देखिए जब भी जो भी ऐसा जीवधारी है जो एक कोशिकी है, मैंने आपको बताया जैसे नील हरित शैवाल हुए, ये सारे इनमें पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। और जब प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है धीरे धीरे नई होती है तो वो चेंज हो जाती है यूकैरियोटिक में। लेकिन क्योंकि वो एक कोशिकीय जीव होते हैं और उनमें ये चेंजमेंट नहीं होता, इसलिए उनमें सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। और ये जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं ये पाई जाती हैं ह्यूमन बींग्स में या फिर एनिमल्स में या फिर प्लांट्स वगैरह में। तो ये जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, यूकैरियोटिक, तो ये ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, इन सब में पाई जाती हैं। अब बात कर लेते हैं डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए आपने सुना होगा प्रोटीन्स कई टाइप के होते हैं। प्रोटीन जैसे एग का प्रोटीन, एग में जो होता है अलग होता है, मिल्क में अलग होता है, कैसीन प्रोटीन होता है, वैसे ही जब हम सेल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एक प्रोटीन आता है हिस्टोन प्रोटीन। तो जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो आपका प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। और जो आपका यूकैरियोटिक है उसमें आपका हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन मिलता है डीएनए में। इसके साथ साथ जिसमें डीएनए है सिर्फ एक डीएनए ही प्रेजेंट रहता है। और यहाँ पे क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक में, मैं थोड़ा डीप बता दे रही हूँ, बाकी इतनी ज्यादा डीप की जरूरत नहीं है, बट मैं बता दे रही हूँ। प्रोकैरियोटिक जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इस वजह से क्रोमैटिन नहीं बन पाता है। और जब क्रोमैटिन नहीं बन पाता है तो वहां पे सिर्फ डीएनए अकेला ही होता है, और इसके साथ साथ डीएनए वगैरह को कवर करने के लिए कोई मेम्ब्रेन भी नहीं होती है, यानी कि कोई ना कोई आवरण जो चाहिए होता है वो भी नहीं होता है। बस उसमें नॉर्मल सा एक आवरण होता है, झिल्ली होती है, बाकी यहाँ पे एक डबल कवर्ड मेम्ब्रेन होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में एक डबल कवर्ड मेम्ब्रेन होती है। इसके साथ साथ इसमें न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक भी प्रेजेंट नहीं होता है, एक तरीके से समझ लीजिए बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं होता है इसमें, बस थोड़ी बहुत चीजें होती हैं। डिफरेंस क्या है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्या क्या चीजें डिफरेंस है। तो हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, डीएनए होता है, डीएनए के अलावा कोई भी गुणसूत्र नहीं होता है, इसके अलावा क्रोमेटिन नहीं बन पाता है क्योंकि इसमें, और इसके साथ साथ इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें जो है हिस्टोन प्रोटीन होता है, इसके साथ साथ क्रोमेटिन वगैरह भी होता है, डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है यानी डबल आवरण से घिरा हुआ होता है, इसके साथ साथ न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है। तो ये हो गया आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और मैंने बताया प्रोकैरियोटिक जो है नील हरित शैवाल या फिर जितने भी जो जीवाणु हैं जो जिनको हम देख नहीं सकते माइक्रोस्कोपिक, यानी कि अमीबा पैरामीशियम, वो सारे जो होते हैं यूकैरियोटिक टाइप के होते हैं। और ये जो सॉरी प्रोकैरियोटिक होते हैं और यूकैरियोटिक एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। अच्छा अगर अब हम और चीजें बात कर लेते हैं जो स्पेशली मैंने छोड़ा है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए उसके बाद में बारे में बात कर लेते हैं। कोशिका की हम बात कर रहे थे तो बात है सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। तो देखिए एक चीज आती है लार्जेस्ट सेल, एक है आपकी लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, मैं इसको इन द वर्ल्ड लिख दे रही हूं, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। दो अलग अलग चीजें हो गई। और एक चीज और,
लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। देखिए इसमें काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में। मैंने देखा है कई लोग, इवन मोस्टली कुछ लोग गलत भी पढ़ा देते हैं, जैसे कि लार्जेस्ट सेल सबसे बड़ी कोशिका की अगर हम बात करते हैं, सबसे बड़ी और सबसे लंबी में अंतर है। वहां वो सबसे बड़ी में हो सकता है आपको सबसे लंबी लिखवा दें या सबसे, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। इसके अलावा स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड और स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी। बात कर लेते हैं इन सबके बारे में। तो देखिए लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रिच एग है, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा बोलते हैं, सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका है, तो वो आपकी हो गई ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच का एग। यहां मैं ऐसे लिख दे रही हूं ऑस्ट्रिच एग, ठीक है, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो सबसे बड़ी कोशिका है। अब देखिए बात कर लेते हैं लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, फिर आपका लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, फिर आपका स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। तो देखिए लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, इसी में कंफ्यूजन हो जाता है कि लार्जेस्ट, ये जो आपका हो गया लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी, और लॉन्गेस्ट हो गया सबसे लंबी कोशिका। तो चलिए अब सेकंड देख लेते हैं, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। मैंने बताया इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में, तो लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ी ह्यूमन बॉडी की सेल, तो ये हो जाएगी आपकी फीमेल ओवम, फीमेल ओवम, ये आपकी है एक्सेल, तो ये है सबसे बड़ी सेल, एक्सेल है ये फीमेल ओवम, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। अब देखिए लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल की बात कर लेते हैं, तो वो है नर्व सेल यानी कि तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। इसे ही न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। तो लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी हो गई तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल। अब देखिए स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, अगर स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो वो है आपकी पीपीएलओ, प्लूरोपनोमिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसे बोलते हैं। इसके अलावा इसे माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा। पीपीएलओ, प्लूरोपनेमिया, प्लूरोपनेमिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब देखिए बचा है आपका स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी बचा है। तो देखिए मैंने बताया, इसमें मैं बता दूं इसमें क्या है कि थोड़ा कंफ्यूजन है साइंटिस्ट को आपस में, कोई कहता है कि आरबीसी सबसे छोटी है और कोई कहता है कि स्पर्म सेल सबसे छोटी है, लेकिन ज्यादातर स्पर्म सेल को ही सबसे छोटा माना जाता है। लेकिन जो दोनों के दोनों मैं आपको लिखा दे रही हूँ, कोई भी एक चीज है वो आपके एग्जाम्स में आ सकती है, जो भी एक ऑप्शन आएगा तो दूसरा ऑप्शन आपको नहीं दिया रहेगा, कोई ना कोई अलग ही ऑप्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम दोनों लिख दे रहे हैं, सबसे पहला है जो आपका स्पर्म सेल और सेकेंड पे है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। दोनों ही बहुत स्मॉल है और इन दोनों में